हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइन निग्रा या प्रेगनेंसी लाइन के बारे में, जो कि आपके बेली बटन के नीचे डेवलप होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि ये कब डेवलप होता है, अपने आप चला जाएगा या इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सबको होता है या फिर किसी किसी को होता है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर मुझे हुआ तो सेकंड में होगा कि नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ इससे हम जेंडर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे आज के वीडियो में। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि मेरा एक और व्लॉग चैनल भी है और मेरी अभी प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो मैं वहाँ पर प्रेगनेंसी रिलेटेड छोटी छोटी डेली बेसिस पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन व्लॉग के थ्रू देती हूँ, रेसिपीज़, प्रोडक्ट रिव्यूज़ और बहुत कुछ आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। तो आप मेरा वो चैनल ज़रूर विजिट कीजिए और आपको वो कॉन्टेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नाभि लाइन या फिर लाइन निग्रा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नाभि लाइन क्यों बोलते हैं, प्रेगनेंसी लाइन क्यों बोलते हैं। ये जो आपका नवल होता है यानी कि आपकी जो नाभि होती है उसके नीचे ये एक डार्क कलर की वर्टिकल सी लाइन जो है वो पतली सी वो डेवलप होने लगती है जब आप कंसीव करते हो उसके बाद, इसलिए इसको प्रेगनेंसी लाइन बोलते हैं। और ये प्रेगनेंसी में ही शुरू होती है और नॉर्मली प्रेगनेंसी ख़त्म होने के कुछ महीनों बाद ये अपने आप ही डिसअपियर भी हो जाती है, तो इसलिए इसको प्रेगनेंसी लाइन बोलते हैं। तो ये क्या सबको होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को हो, बट मोस्टली लोगों को ये प्रेगनेंसी लाइन जो है वो देखने को मिलती है। स्पेशली जो लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है उनमें ये चीज़ें कम हो सकती है, बट विटिश कॉम्प्लेक्शन वाले जो लोग हैं उनमें ये चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंटली और जल्दी देखने को मिलती है। होता क्यों है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में जब आप कंसीव करते हो उसके बाद। एस्ट्रोजन लेवल्स जो है वो बढ़ते हैं, उसकी वजह से मिलाज्मा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता है, तो आपकी स्किन में डार्क पैचेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक डार्क लाइन होती है। कहते तो ऐसा है कि ये लाइन पहले से ही आपकी बॉडी में मौजूद रहती है, बट वो आपके स्किन की कलर की रहती है इसलिए आपको पता नहीं होता है। लेकिन जैसे आप कंसीव करते हो हार्मोन लेवल बढ़ते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो लाइन जो है वहाँ पर मिलाज्मा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो लाइन थोड़ी डार्क हो जाती है और विजिबल हो जाती है। तो ये इसके पीछे जो कारण है वो हार्मोनल चेंजेस हैं। तो अब बात करते हैं इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है या प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कि ये आपको ना हो। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको प्रिवेंट आप नहीं कर सकते हो, आपको होना है तो होना ही है, क्योंकि ये हार्मोन्स के बेसिस पे हो रहा है, किसी और कारण की वजह से नहीं होता। तो हार्मोनल चेंजेस तो होंगे ही होंगे, अगर कंसीव किया हुआ है, प्रेग्नेंट है तो हार्मोनल चेंजेस तो होने ही है। तो उसका ये रहता ही है कि आपको ये नाभि लाइन जो है वो डेवलप होती है। किसी को बहुत डार्क होती है, किसी की कम होती है, लाइट होती है, अलग अलग स्किन कलर, अलग अलग हार्मोनल लेवल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी जो लाइन है ये कितनी डार्क या कितनी लाइट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको रिमूव करना है या इसको ट्रीट करना है या कुछ ये हमें हार्म कर सकती है, तो बिल्कुल भी ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को होती है। और प्रेगनेंसी लाइन हम इसको बोलते हैं और ये अपने आप चली जाती है। प्रेगनेंसी लाइन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये लाइन जो है वो अपीयर करती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए या इसके लिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट एक बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी पीरियड में एक साइन है, एक मास्क ऑफ प्रेगनेंसी है कि भाई प्रेगनेंसी है, तो उसका एक ये साइन है कि ये हो रहा है। उसके अलावा इसमें कोई भी कंसर्न नहीं है, आपके बेबी को हार्म नहीं करेगा, आपको किसी तरीके का हार्म नहीं करेगा। और प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के 2-3 महीने के बाद, ये बिना कुछ किए अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा धीरे धीरे करके। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए सनस्क्रीन वगैरह लगा सकते हो, थोड़ा कवर करके रख सकते हो कुछ टाइम के लिए, सो दैट कि ये और ज़्यादा बढ़े नहीं और आराम से आप इसको धीरे धीरे मतलब चला जाएगा। इसके ऊपर कोई भी आपको ऐसे क्रीम्स या ऐसी कोई चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपको वहाँ पर स्किन जो है वो आपकी और ज़्यादा वहाँ पर रिएक्ट करे और ज़्यादा डलनेस या डार्कनेस वगैरह आने लग जाए। तो इसलिए बेहतर है कि जैसे चल रहा है उसको चलने दो, अपने आप ही वो चीज़ें नॉर्मली चली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर हुआ है तो सेकंड में भी होगा या नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे ये लाइन हुई थी और सेकंड में भी हुई है, अभी भी मेरी डेवलप हो चुकी है। तो कॉमनली अगर फर्स्ट में हुआ है तो सेकंड में होने के चांसेस हो जाते हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट में हुआ है तो सेकंड में होगा ही होगा। बट हाँ, प्रॉबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि अगर फर्स्ट में हुआ है तो सेकंड में आपको होगा, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जेंडर प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो आप लाइन निग्रा से या फिर नाभि लाइन से। तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ये लाइन अगर डेवलप ही हुई है तो आप मतलब आपको बॉय होने वाला है। दूसरा कि ये लाइन अगर आपके नाभि से ऊपर की तरफ जा रही है, चेस्ट की तरफ जा रही है, तो आपको बॉय होगा, और अगर नीचे ही, नाभि के नीचे ही है तो सिर्फ तो ये गर्ल का साइन है। तो अगर ये लाइन मतलब ऊपर जा रही है तो बॉय है, और नीचे ही है नाभि के जस्ट वहीं स्टॉप हो चुकी है तो गर्ल है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर ये लाइन सीधी जा रही है तो बॉय है, टेढ़ी अगर जा रही है तो गर्ल है। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं, इसका रिवर्स भी कोई आपको बोल सकता है, क्योंकि ये मतलब साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव्ड नहीं है, कहीं कोई स्टडी इस चीज़ पे नहीं हुई है कि ऐसा होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल बेस्ड है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसको नाभि लाइन ऊपर गई और लड़का हुआ तो वो आपको ये बताएगा, और अगर ऊपर गया और लड़की हुई तो वो आपको वो चीज़ बताएगा। तो बेसिकली ये कोई प्रूवन चीज़ नहीं है कि आप इस चीज़ से पता लगा सकते हो कि आपकी लाइन टेढ़ी है तो लड़का होगा, सीधी है तो लड़की होगी, ये लाइन ऊपर गई है तो लड़का होगा और नीचे तक है तो लड़की होगी। तो ये सिर्फ हम गेस करने के लिए ठीक है, बट इसके बेसिस पे हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर सकते कि हमारा जो होने वाला बेबी है वो गर्ल है या बॉय है। बेसिकली हम जेंडर प्रेडिक्ट इस स्टेप से नहीं कर सकते हैं, जस्ट हम गेस कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको नाभि लाइन किस तरीके की, टेढ़ी है, सीधी है, डार्क है, लाइट है, ऊपर है, नीचे है, वो सब कुछ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको कौन से सिम्टम हुए, मतलब आपकी लाइन कहाँ पर थी, कैसी थी और आपको क्या हुआ, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जस्ट फॉर टाइम पास, जस्ट फॉर फन। एंड आई होप आप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, बिकॉज मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग एंड पोस्टपार्टम केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करती हूँ, कभी कभी थोड़े से फन वीडियोज़ भी शेयर कर देती हूँ। तो सारा कुछ इन्जॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।